regarding extern storage classes, example 9, in that case we are declaring extern variable as a local variables. Local variables ke case mein, extern ke case mein initialization possible. That's why it is invalid case compile time error. Dekha jaye question number 9 aur question number 10 dono ke case mein invalid, lekin is case mein yaad rakhna especially error ka type kya hai, compile time errors. Extern variable cannot be initialized. नेक्स्ट वन, लेकिन अगर एग्जांपल नंबर 10 की किस बात करें, इस केस में कोई इनिशियलाइजेशन पॉइंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, वैलिड. सेम है सेकंड स्टेटमेंट की किस बात करें, सेकंड स्टेटमेंट कंपाइलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपाइल टाइम पर ए में इनिशियलाइजेशन से जस्ट पहले चेक किया वो डिक्लेरेशन है ऑफ ए व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल, इसलिए कंपाइलेशन इसके केस में कैसा रहेगा, कंपाइलेशन इज वैलिड. लेकिन रन टाइम पर रिक्वायर्ड क्या हुआ, डेफिनेशन ऑफ ए, ए का कहीं डेफिनेशन फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए क्या आएगा इस केस में, रन टाइम एरर नॉट अ कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लिंकिंग टाइम एरर. एग्जैक्टली बात करें क्या आएगा इस केस में, लिंकर एरर्स. इस फर्स्ट केस में क्या रहा है, कंपाइल टाइम एरर्स, सेकंड केस में क्या रहा है, लिंकर एरर और वी कैन से रन टाइम एरर्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज वैलिड केस, इन दैट केस वी आर डिक्लेयरिंग एक्सटर्न वैल्यू एक्स, एक्सटर्न एक्स के केस में कहीं भी कोई डेफिनेशन पॉइंट नहीं किया, अगर आपने डेफिनेशन पॉइंट नहीं किया तो उसके साथ साथ कहीं एक्स यूज भी नहीं हो रहा है, एक्स को यूज किया इन साइड साइज ऑफ ऑपरेटर. एज वी आर डिस्कसिंग ड्यूरिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर में अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन सप्लाई किया देन दिस एक्सप्रेशन नेवर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. इस केस में साइज ऑफ के रिस्पेक्ट में एक्स के लिए ओनली रिक्वायर्ड किया है डिक्लेरेशन ऑफ एक्स मीन्स डेटा टाइप, क्यों साइज ऑफ रिटर्न क्या करेगा, साइज ऑफ एक्स और साइज किसके बेस पर आएगा, बेस्ड ऑन वैल्यू और बेस्ड ऑन डेटा टाइप, बेस्ड ऑन डेटा टाइप, डेटा टाइप फाउंड रहेगा इंटीजर, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न टू. फाइनली इस केस में आउटपुट प्रिंट होगा टू, दिस इज वैलिड केस.